हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है वो HSN कोड के ऊपर है। मान लीजिए आप एक बिल बना रहे हो, यहाँ पर जैसे कि मैं सेल्स के वाउचर में हूँ अभी। यहाँ पर मैं एक सेल्स के वाउचर का नंबर दे देता हूँ, RSWA00112425। यहाँ पर एक पार्टी का नाम दे देते हैं, मिस्टर आशीष। कंट्रोल ए कर लेते हैं, कंट्रोल ए। यहाँ पर मैं एक आइटम क्रिएट कर रहा हूँ। आइटम क्रिएशन के टाइम यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे HSN कोड का कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। हम एक आइटम क्रिएट करते हैं, यहाँ पर वॉश बेसिन ग्लास मेड। यहाँ पे हम लोग इसको ले लेंगे पीसेस में। अल्टरनेटिव यूनिट्स को हम लोग नॉट एप्लीकेबल ही रखते हैं। GST एप्लीकेबल, यहाँ पर GST को मैं 18% ले लेता हूँ। अब आप देख रहे हो यहाँ पर मुझे HSN कोड का कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर F12 में जाना है आपको। F12 में जाने के बाद आपको आ जाना है यहाँ पर, ये देखिए प्रोवाइड HSN SSE डिटेल्स, इसको कर देना है आपको यस, और कंट्रोल ए कर देना है। यहाँ पर गुड्स सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं और एक चीज़ हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, जब भी हम लोग प्रिंट प्रीव्यू में देखेंगे कि हमें वो दिख रहा है या नहीं HSN कोड। अगर नहीं दिख रहा है तो उसको भी कैसे एक्टिवेट करते हैं वो भी देख लेंगे। तो यहाँ पर हमारी ये एंट्री हो गई है, यहीं से हम लोग कंट्रोल पी करते हैं और प्रीव्यू में जाके देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर भी GST के रेट का कॉलम, क्वांटिटी का कॉलम आ रहा है, डिस्काउंट का कॉलम आ रहा है, बट यहाँ पर HSN कोड का जो कॉलम है वो आ नहीं रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहीं से हम लोग जब कंट्रोल पी करते हैं तो यहाँ से आप फिर से कॉन्फिगर में जाइए F12 में, और यहाँ पर शो मोर कर दीजिए ताकि आपको हर डिटेल दिखे। उसके बाद आपको नीचे नीचे आना है और यहाँ पर देखिए स्टेचुटरी डिटेल्स में शो HSN SSE, इसको एंटर कर देना है। तो ये आपका यस हो जाएगा। कंट्रोल ए, प्रीव्यू में दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखिए HSN SSE आ चुका है। अभी यहाँ पर जब हमने क्रिएशन किया था तो हमने HSN कोड डाला नहीं था, तो वो HSN कोड हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं ताकि HSN कोड हमें दिखना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल्स हियर में जाएंगे और इसका HSN कोड डाल देते हैं हम लोग 6910 9000। ये जब भी हम लोग HSN या GST में कुछ अमेंड करते हैं तो ये हमसे पूछता है, जैसे कि अभी पूछा था कि ये कब से लागू होगा। मैं अभी क्रिएट कर रहा हूँ इसको ये वाले साल में, तो मैंने 1 अप्रैल 2024 की डेट डाली है। यहाँ पर एक बार कंट्रोल पी करके देख लेते हैं हम लोग कि HSN को शो होना स्टार्ट हुआ या नहीं। यहाँ पर देखिए ऑल्ट जेड किया मैंने जूम, ये देखिए 6910 9000। तो HSN यहाँ पर इसका कॉलम दिखना स्टार्ट हो गया और HSN कोड भी आ गया। और एक चीज़ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक बाइफर्केशन दिख रहा है HSN SSE का, ये वाला भी कॉन्फिगर में ही होता है। यहाँ पर ये देखिए शो HSN SSE डिटेल्स, ये अगर नो रहेगा, एंटर करके मैंने नो किया है और कंट्रोल ए करके मैं आपको प्रीव्यू में दिखाता हूँ। ये अगर नो रहेगा तो ये यहाँ पर नीचे नहीं आता है। यहाँ पे देखिए HSN कोड कोई भी मेंशन नहीं किया हुआ है। अगर दो तीन HSN होते तो यहाँ पे सब आ जाते, अभी फ़िलहाल एक था, वो एक भी यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर मैं फिर से आपको बैक जाके कॉन्फिगर में जाके उसको यस करके बताता हूँ। ये देखिए यस किया मैंने, शो HSN SSE डिटेल्स को मैंने यहाँ पर यस किया है। ये शो HSN SSE अलग है, ये शो HSN SSE डिटेल्स अलग है, ये नीचे आता है बिल में। ये देखिए प्रीव्यू में मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर देखिए ये रहा HSN कोड आ गया यहाँ से। ये आपके HSN वाइज यहाँ पे कैलकुलेशन होती है। अगर दो तीन HSN कोड होते हैं यहाँ पर
तो यहाँ पर नीचे सबका बाइफर्केशन आपको अलग अलग दिख जाता। मैं यहाँ पे यही बिल में आपको और एक चीज़ ऐड करके दिखाऊंगा, और मैं आपको वो बताऊंगा कि नीचे किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर हम लोग एक मिरर ले लेते हैं, ये वाला मिरर लेते हैं, बैक जाके कंट्रोल एंटर, देखिए इसका HSN कोड डाला हुआ है, तो ये भी हमें अभी नीचे दिखेगा, इसका टैक्स अलग से कैलकुलेट होके दिखेगा। तो एक पीस डालते हैं और इसको हम लोग ले लेते हैं 3,500 रुपीज़। अभी दोनों जो HSN कोड है उसका बाइफर्केशन हमें दिखेगा, इसको मैं यस ही कर देता हूँ इस बार। तो ये बिल हमारा बन गया। यहाँ पर कंट्रोल पी आई प्रीव्यू के लिए, ऑल जेड जूम के लिए, यहाँ पर देख सकते हो आप 6,910, 9,000, 5,000 रुपीज़, और ये 5,000 पे टैक्स लगेगा, और 7,009, 3,500। यहाँ पर नीचे देखिए बाइफर्केशन आया हुआ है, 5,000 पे जो टैक्स लगा है वो 450 CGST, 450 SGST, और ये जो दूसरा वाला HSN कोड है मिरर का 7,009, वो है 3,500 टैक्सेबल वैल्यू, और उस पर जो CGST लगा है 315 और SGST लगा है 315। तो ये यहाँ पर प्रॉपर बाइफर्केशन आ गया नीचे। जब आप ई वे बिल बनाते हो तो ये बहुत काम में आता है, कभी कभी आपका जो ई वे बिल होता है वो बहुत बड़ा होता है, यहाँ पर 20-25 आइटम्स होते हैं, तो ये जो होता है आपको कभी कभी जल्दी जल्दी बनाने में, यहाँ से आप सीधा कैलकुलेट HSN वाइज कर सकते हो। अगर यहाँ पे सिर्फ 7-8 HSN कोड है और बिल में कम से कम 35-40 आइटम्स है, तो आप HSN वाइज आप हेल्प ले सकते हो कि आपका जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पर कभी आपकी मिस्टेक होती है, कभी कभी कुछ कैलकुलेट नहीं होता है, तो वहाँ पर भी ये आपको बहुत ही काम में आता है, बिकॉज़ यहाँ पर आपका परसेंटेज दिखाएगा नहीं, यहाँ पर आपका अमाउंट नहीं दिखाएगा ये HSN के सामने, तो उस वक्त आपको अभी ये चीज़ उतनी यूज़फुल नहीं लगेगी, बट जब आप बड़े बड़े बिल्स बनाओगे तो आपको ये यूज़फुल लगेगा। यहाँ का जो डिटेल होता है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, यहाँ पर परसेंटेज वाइज आता है, और ये कॉलम भी बहुत ही काम की चीज़ है, ये जो GST रेट का कॉलम है, जब हम लोग कभी रेट डालना भूल जाते हैं तो हमें पता चल जाता है यहाँ पर जब GST का रेट नहीं दिखता है। जैसे कि मैं आपको एक बार यहाँ पर करके बता सकता हूँ, अगर मैं परसेंटेज ना लूँ, यहाँ पर एक आइटम क्रिएट करता हूँ, टेबल टेबल टू करके हम लोग एक क्रिएट करते हैं यहाँ पर पीसेस में, इसका हम लोग HSN डाल देते हैं 8,481, और यहाँ पर हम लोग जो है GST का परसेंटेज नहीं लेते, तो इसके परसेंटेज तो कैलकुलेट नहीं होंगे और आपकी गलती भी आपको सही तरीके से दिख जाएगी। तो यहाँ पर देखिए एक बड़ा अमाउंट डालते हैं हम लोग 10,000, यहीं से हमें पता चल जाएगा 18,500 × 9%, देखिए 1,665 हो रहा है यहाँ पर। तो मान लीजिए आपका बीच में कोई एक ऐसा आइटम आ जाता है जिसमें आपने टैक्स नहीं डाला था क्रिएशन के टाइम, तो उसका पता कैसे चलेगा आपको, यहाँ पर देखिए प्रिंट प्रीव्यू में अभी आपको पता चल जाएगा GST के कॉलम का फ़ायदा क्या होता है। प्रीव्यू ये देखिए, यहाँ पर देखिए 0% आया है, यहाँ पर भी देखिए 8,481, 10,000 टैक्सेबल वैल्यू है, बट यहाँ पर CGST का अमाउंट नहीं है, यहाँ पर भी CGST का SGST का अमाउंट नहीं है। तो जब आप परसेंटेज कभी कभी डालना भूल जाते हो, कभी कभी यहाँ पर गलत भी डाल देते लोग, 8 डाल देते, 28 डाल देते, फटाफट में मिस्टेक हो जाती है जल्दी जल्दी करने में, तो ये GST रेट का कॉलम अगर डालोगे तो यहीं से तुरंत आपको पता चल जाएगा कि आपकी क्या गलती हुई है। GST के कॉलम के लिए सिर्फ आपको जाना है कॉन्फिगर में, ये देखिए ये वाला है वो शो GST रेट इन परसेंटेज, ये यस है इसलिए आपको दिख रहा है, अगर ये नो रहेगा तो आपको वहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू में नहीं दिखेगा। तो अगर आप इसको यस रखोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। ये देखिए मैं आपको नो करके दिखाता हूँ, ये देखिए प्रीव्यू में GST के रेट का कॉलम आया ही नहीं है यहाँ पर, देखिए तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका कौन से आइटम का परसेंटेज नहीं उठा रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ से तो आपको पता चल जाएगा, बिकॉज़ ये भी ऑप्शन हम लोगों ने यस किया था HSN SSC डिटेल्स का,
इसलिए आपको यहाँ से पता चल रहा है। बट अगर आपको यहाँ पर सीधी एक लाइन ही आ जाती, यहाँ पे एक कॉलम ही आ जाता है, तो वो अगर यस रहेगा तो वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा आप लोगों के लिए। शो जीएसटी रेट इन परसेंटेज, यस। ये देखिए देखिए यहाँ पर ये तुरंत आपको पता चल जाएगा कि आपकी क्या गलती हुई है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको एचएसएन बताया। अगर प्रोडक्ट क्रिएट करने के टाइम एचएसएन की डिटेल्स नहीं आ रही है तो उसको कॉन्फ़िगर में जाके करना है। फिर आपको बिल में प्रिंट प्रीव्यू में एचएसएन की डिटेल्स नहीं आ रही है तो उसको भी कॉन्फ़िगर में जाके करना है। बिल में नीचे जो एचएसएन की परसेंटेज की कैलकुलेशन होती है वो कैसे करना है एक्टिवेट, और जीएसटी का जो कॉलम होता है परसेंटेज का वो कैसे लेके आना है बिल में, और इसके क्या फ़ायदे होंगे आपको। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलूँगा आपको इसी तरह के किसी और वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड बाय।